कोई मदरसा छाप बोल दे हमको, कोई कुछ बोल दे, तो हम किसको सफाई देंगे। विवाद पाकिस्तान के एक वीडियो पे हुआ जो 24 अप्रैल को था। इससे आप साफ समझ सकते हैं कि जो अप्रैल का वीडियो है उसके मई के लास्ट में विवाद नहीं होना, यानी लोग कुछ और दिखा रहे हैं और मैटर कुछ और है। पाकिस्तान के तहरीके लबैक पार्टी के बारे में हमने बोला था कि ये सब पंचर छाप है सर। हमने किसी पूरे पाकिस्तान को नहीं बोला, ना ही किसी मुसलमान का नाम लिया। बस आप उन वीडियो वालों को कहिए कि उसने बोला ना कि मुसलमान नाम लिया। हमने तहरीके लबैक पार्टी को बोला क्योंकि ये लोग फ्रांस के राजदूत को बाहर निकाल रहे थे। खुद पाकिस्तान की पुलिस ने इन्हें जेल कर दिया, खुद पाकिस्तान ने जेल किया, उनके समर्थन में लोग हमको कह रहे हैं यहां पर। हम इस बचवा को बोले थे कि तोरा तहरीके लबैक पार्टी वाला यहां पर पंचर साटेगा, ना कि हमने किसी मुसलमान को बोला था। बचपन में हम लोग के भी टीचर कहते थे अरे पढ़ लिख ले रहे ना तो गोबर उठाएगा, घास काटेगा। उस समय हम वीडियो बनाए हुए थे। उस समय इतना भयानक ही लोगों ने बहिष्कार कर दिया था फ्रांस का कि फ्रांस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के ऊपर जूता का ई करके पोस्टर निकाला था। और हद बेशर्मी इन लोग की देखिए कि इन्होंने अपनी संसद भवन में एक प्रस्ताव पारित हो गया कि पाकिस्तान का वह राजदूत जो फ्रांस में बैठा है उसे वापस बुलाया जाए। तो जब ये प्रस्ताव पाकिस्तान के संसद से पारित हो गया तब पता चला कि पाकिस्तान का कोई भी राजदूत फ्रांस में बैठा ही नहीं है। इन लोग का ससुरों का मुँह लगा गया। अब इसी बीच इसमें पाकिस्तान में बहुत जो बवाल हो रहा था उसी बीच एक तहरीके लबैक पाकिस्तान की पार्टी है, तहरीके लबैक पाकिस्तान पूरा नाम है इसका। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा धार्मिक कट्टर है। तो होता क्या है देखिए, जो इलेक्शन होता है ना डेमोक्रेसी, इसमें सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है ना कि मेजॉरिटी के खुश रखो, मेजॉरिटी को अपने फेवर में रख लो, हम जीत जाएंगे। तो इस ससुरा चोट्टा सब मेजॉरिटी के चक्कर में कभी सिखों के ऊपर अत्याचार करेगा, कभी ईसाइयों के ऊपर, कभी हिंदू के ऊपर, कभी जैन के ऊपर, मतलब वहाँ बौद्ध के ऊपर टॉर्चर करते रहो वहाँ पर पाकिस्तान में, तो ये कोई बहुत नया बात नहीं है। तो इन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कि फ्रांस को तो बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे। तो उस समय कोरोना था तो इमरान खान ने इन लोग को समझाया कि देखो भैया 2020 है तो हम 2021 में फ्रांस के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लेंगे, उनके राजदूत वगैरह को बाहर निकालेंगे। तो ये शांत बैठ गया सब। और जब 2021 आया ना तो भाई साहब ये बवाल कर दिया सर, कहा सर कि तुमने बोला था 2020 में कि हम फ्रांस के राजदूत को निकालेंगे, निकालो। 2021 आ गया भाई, एकदम भयानक हो गया। 11 को पुलिस वालों को ये कैप्चर करके लेके चले गए थे सब तरीके लबैक वाले, बाद में उन्होंने छोड़ दिया उसको। अब इमरान खान दोनों डबल समस्या में पड़ गए कि ऐसा मैटर जो पूरी दुनिया भुला चुकी है उसमें किसी राजदूत को लौटा देना मतलब अपने रिश्ते को ख़राब करना है, लेकिन ये लोग ससुर सुधर नहीं रहे। और यहाँ पर अभी ये तहरीके लबैक पार्टी जो है वहाँ पर इसको काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड मिल रहा है वहाँ पर प्रचार। छोटी मोटी पार्टियाँ क्या चाहती हैं, उल्टा सीधा बयान दे दो, ये कर दो ताकि न्यूज़ में रहें हम, ताकि अगली बार में ये हो सके। ये लोकतंत्र में ये बहुत ख़राब खेल होता है। किक आउट द फ्रांस एम्बेसडर, फ्रांस के राजदूत को बाहर निकालो। अब बताइए फ्रांस के राजदूत को बाहर निकाल देने से इनका समाधान हो जाएगा? कोई समाधान नहीं होने वाला है। ये लोग रैली करते जा रहे हैं। अब ये देखें ये रैली में ये बेचारा बचवा है, इसको क्या पता है कि राजदूत क्या चीज़ होता है? कोई पता नहीं है, लेकिन फ्रांस के राजदूत को बाहर ले जाए गए हम। ये देखिए इसको आपको कुछ पता नहीं है। बाबू लोग तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ, अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं, ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा लो। तो पंचर मत साटो वरना तुमको तो पता ही है, नहीं तो कुछ ना होगा तो चौराहा बैठ के मीट काटेगा तुम बकलोल कहीं का। बताइए ये उम्र है बच्चों को यहाँ पे ले आने का, बैनर से छोटा है बेचारा, ये है क्या कीजिएगा। 18-19 को पैदा होंगे सर तो कोने काम आएगा सर, कोनो बर्तन धोएगा, कोनो बकरी काटेगा, कोनो पंचर साट, एक दो गो रहे सब तब ना आदमी बहुत। दूसरा विवाद, हमने यहाँ की पार्टी जो थी तहरीके लबैक वो सब जो थे सब उनको बोला था कि भैया 18-19 तो पैदा हो गए तो क्या होगा। आपने कहाँ सुन लिया कि हमने मुसलमानों को बोला, हमने पाकिस्तानियों को बोला? हम वो जो पार्टी वाले उपद्रव फैला रहे थे उनको बोला था यहाँ पर। और वहाँ का ये कल्चर है, इमरान खान की खुद की 3-3 पत्नियाँ, हम भारत में नहीं कर रहे, आपको गूगल करके दिखा देते। हमने गूगल पे लिखा था हाउ मेनी चिल्ड्रन यूएई किंग, यूएई के राजा के कितने बच्चे, 30 बच्चे दिखा दिए यहाँ पे, आप भी गूगल पे सर्च कर लो। हमने बोला हाउ मेनी चिल्ड्रन सऊदी अरब किंग, 13। हम ये थोड़ी करें कि हिंदुस्तान में पढ़ाई के दौरान कभी कोई टॉपिक आएगा तो उसको बताएंगे। अब आप कहो कि ये अब ऐसा थोड़ी होगा कि हम आएंगे कहेंगे चल मुसलमान को बदनाम किए बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, आज बदनाम कर देते हैं, चलो बदनाम कर देते हैं, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। आप 10 सेकंड का वीडियो देख रहे हैं, पूरा देख लो, अगर केवल विवाद 10 सेकंड से होता है पूरा देखेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा। लेकिन इन लोग का यूट्यूब चैनल कैसे चलेगा, फेमस कैसे होंगे? 15-15 को वीडियो बनाओ खान सर के लिए, यही बहाने हैं, चमक जाओ 20 मिलियन 30 मिलियन। सबसे ज्यादा विवाद इस पे, भारत के मुसलमान पढ़ता लिखता नहीं पंचर साटता। देखो भैया यहाँ ध्यान से समझो, ये किसी दूसरे चैनल ने मेरे इस चीज पे इस तरह से करके बनाया है, ये मेरे ऑफिशियल चैनल पे आपको मिल ही नहीं सकता, इमोजीन लगा दिया है। एक्चुअली ये पॉलिटी का क्लास था जिसमें हम SC ST आयोग OBC आयोग को पढ़ा रहे थे, उसी में मुसलमान
किसानों के लिए बनाया गया था सच्चर कमेटी, पीछे लिखा है, पढ़े लिखे हैं समझिए, उसमें हमने बताया था कि सच्चर कमेटी ने कहा था कि मुसलमानों की स्थिति अच्छी नहीं है, शिक्षा में भी नहीं है, ये लोग मतलब बहुत ज़्यादा शिक्षा में आगे नहीं बढ़ते। इसी बीच हमने ये बताया था कि इनके आय का स्रोत ज़्यादातर गल्फ कंट्री विदेश में जाके ये लोग नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं। उसी सिलसिले में हमने ये बता दिया था कि छोटे मोटे बिजनेस में आते हैं, जिसमें हमने ये भी बताया था कि नहीं ये लोग साइकिल वगैरह की दुकान पर मीट वगैरह पर रहते हैं। हमने केवल ये नहीं बोला था चल आओ मुसलमान को बदनाम करो, कैमरा ऑन करो जी, खान सर आ गए, मुसलमान को बदनाम करो, हाँ पंचायत आता है, ऐसे कभी हो सकता है? उनसे कहिए ना कि इनसे पहले वाला वीडियो बनाए जिसमें हमने पूरा सच्चर कमेटी के बारे में बताया, ये पिछवा लिखा है तब वो समझो भैया पॉलिटी का क्लास चल रहा है, और ये क्लास 2020 का है, अक्टूबर 2020 उसमें ये क्लास चला होगा। यहाँ पर एक और लोग कह रहे हैं कि हमने मक्का मदीना के बारे में गलत बताया। देखिए इसराइल का टॉपिक था जिसमें हम ये बता रहे थे कि जो अलक्सा मस्जिद है वो तीसरी सबसे मतलब पाक जगह है, जिसमें आपका काबा मदीना, जिसमें हम ये बताए थे कि मक्का, ताकि आम आदमी समझ सके। कुछ कह रहा है कि गलत जानकारी, भैया हम मक्का मदीना टॉपिक नहीं समझा रहे थे, सबको पता है बैतुल मुकद्दस क्या चीज़ है, आबे जमजम क्या है, तवाफ कहाँ किया जाता है, उमरा कहाँ किया जाता है, मदीना क्या है, मस्जिद अलक्सा कहाँ पर है, कहाँ पर, इस सबको पता है। जब वो टॉपिक आएगी तब बताएंगे। आम आदमी को इस सबसे मतलब जो हज करने नहीं जा रहा है या फिर जो मुस्लिम नहीं है उसको इतना डिटेल आबे जमजम पढ़ा के क्या होगा? आपको कोई हवन कुंड बताए यूट्यूब पर आके कि देखिए ये हवन ऐसे होता है, मृत्युंजय यज्ञ का ये फायदा होता है, अश्वमेघ ऐसे होता है, आप समझेंगे? नहीं होगा। अब कह रहे हैं कि गलत जानकारी, नहीं भैया वो इसराइल का टॉपिक था, इसराइल पर फोकस था यहाँ।